नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी अपने दर्शकों का, मिथुन राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। 22 से 30 अप्रैल अप्रैल माह का चौथा सप्ताह कैसा जाएगा, जानते हैं इस वीडियो में क्या कुछ रहने वाला है इस सप्ताह में आपके लिए। जानेंगे आपके शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ तारीखें, अशुभ तारीखें, शुभ अंक, भाग्य प्रतिशत और कौन सा रंग आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सप्ताह में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है, कहाँ पे सावधानी रखनी है, आपके जीवन में कौन सा उपाय शांति लेकर आएगा, कौन सा उपाय प्रगति और तरक्की लेकर आएगा, इन सभी बातों पे हम संपूर्ण चर्चा करेंगे और आपके इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी बताएंगे जिनको करने से यह सप्ताह बेहतरीन बन जाएगा। जो भी शत्रु भय या परेशानियां होंगी वह समाप्त होंगी। और यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि पर आधारित है, आपसे लग्न राशि से देखकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें ताकि ऐसी बढ़िया जानकारियां आपसे छूटने ना पाए। शुरुआत करते हैं 22 और 23 तारीख 5:17 तक के समय की। चंद्रमा छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे। वैसे तो यह दोनों की युति गज केशरी योग का निर्माण करती है, लेकिन यह योग छठे भाव में बनने के कारण विशेष शुभ फल आपको नहीं दे पाएगा। तो आपको समय को बहुत ही सावधानी पूर्वक बिताना होगा। आपको बड़ी सावधानी रखनी होगी नौकरी व्यापार में। कोई बड़ा लेन देन या कोई बड़ी डील करने से पहले दो बार विचार आपको अवश्य करना होगा, या एक बार किसी तीसरे व्यक्ति की सलाह ले लें के बाद ही कोई बड़ी डील या पैसों का लेनदेन करें तो बढ़िया रहेगा। आपके शत्रु आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। वह मौका देखेंगे कि कब आप उनको मौका दें कि वो आपको हानि पहुंचा दें। तो कोशिश करिएगा कि सतर्क रहे, शत्रु को कोई भी मौका ना दे, अपने राज गुप्त रखें, अपनी बातें गुप्त रखें, सार्वजनिक ना करें जब तक वह काम पूरा ना हो जाए। कुछ लोग आपके आसपास के लोग ही आपको मानसिक चिंता देने का काम करेंगे, जिससे आप मानसिक तौर पे थोड़े से वीक हो जाएंगे, या हो सकता है कि आप थोड़ा चिंताग्रस्त हो जाएं, या फिर हो सकता है कि आप परेशानी में रहकर थोड़े आलसी हो जाएं, अपने काम को वक्त पे ना कर पाएं। तो ऐसी बेकार की बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अफवाहों में ध्यान नहीं देना है, अपना काम करते रहना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको मानसिक पीड़ा या मानसिक चिंता दे रहे हैं। इन लोगों का उद्देश्य आपको सिर्फ पीछे लेके जाना है, यानी कि आपको कुछ परेशान करना है। इनकी बातों में कोई इतना बड़ा आधार नहीं होगा, बस कह सकते हैं ये आपसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते हैं, चलते हैं, या फिर आपकी सफलता को देख नहीं सकते हैं। तो आप इस समय में ऐसी किसी बात पर यकीन ना करें जो आपने खुद जांची परखी ना हो। एक बात आपको और बता दूं, शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले वो आपको परास्त नहीं कर पाएगा, लेकिन परेशान जरूर कर देगा। इस वजह से आपका एक लंबा समय उस परेशानी में बीतेगा। अंत में आप विजय प्राप्त भी कर लेंगे, लेकिन एक लंबा समय चिंता अगर परेशानी सोच विचार में चला जाएगा, जिसकी वजह से समय की हानि होगी। और समय ही पैसा है, समय ही आज के जीवन में सब कुछ है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी प्रकार से किसी की बातों में बिल्कुल भी ना आए। यात्रा करें तो अपने काम से काम रखें, किसी अनजान व्यक्ति से ना कुछ ले, ना कुछ खाएं, ना कुछ पिए, ना फिर उसके साथ कोई अपना सीक्रेट शेयर करें। इस बात का यात्रा के दौरान विशेष ध्यान रखिएगा। आपके मन के अंदर कोई डर होगा, इस डर के कारण आप भयभीत रहेंगे। आपको लगेगा कि मेरा कोई राज खुल ना जाए। अब क्या राज है क्या नहीं राज है ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ डर रहेगा। आज आप कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात कर लेंगे जिनसे आप भयभीत होते थे, या आप उनसे मिलना नहीं चाहते थे या मिलना नहीं चाहती थी। तो कुछ ऐसे लोग अचानक से आपको मिल सकते हैं, आपके शहर में मिल सकते हैं, कहीं पे भी मुलाकात हो सकती है, या कुछ ऐसे लोग आपको ढूंढ सकते हैं जिनसे आप अभी तक बच रहे हो, तो उनका डर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो घबराए नहीं, आप अपना काम करिए, उनको अपना काम करने दीजिए। सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आज आप अपनी गलतियों की वजह से डरेंगे, आज आप कम जानकारी की वजह से डरेंगे, आज आप अपने डर की वजह से डरेंगे। शायद वो डर आपका कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, लेकिन उस डर की वजह से आप चिंताग्रस्त हो जाएंगे। तो आपको किसी भी प्रकार से कर्ज नहीं लेना है, कर्ज की स्थिति में नहीं जाना है, ना आपको किसी को देना है, ना किसी से कर्ज लेना है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जितना पैसा है उसी से काम चलाएं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज ना लें। और यदि बिजनेस या व्यापार में पैसा लगाने की बात है तो किसी बैंक से लें या किसी ऐसी जगह से लें जहां विश्वसनीय जगह हो। किसी भी व्यक्ति विशेष से पैसा उधार लेने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आज के दिन आपको प्रेम संबंध में धोखा मिल सकता है, या आप किसी को धोखा दे भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, धोखा मिलना और धोखा देना दोनों ही
बुरी बात है, तो चीज़ों को सुधारने का प्रयास करेंगे तो बढ़िया रहेगा, किसी को धोखा देने का प्रयास मत करिएगा। आपका आने वाला वक्त बेहतर होगा, उस वक्त का सदुपयोग करेगा, इस वक्त को जैसे तैसे बिता लीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से बहुत बड़ी हानि ना हो। और आपका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा बहुत प्रभावित रहेगा, प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे, आप वाणी को मधुर बना के रखें, क्रोध ना करें और समय को जैसे तैसे बिताएं और आने वाले वक्त का इंतजार करें जब पलड़ा आपका भारी होगा, यानी आपके पक्ष में होगा समय। तो ध्यान रखिए, थोड़ा मिला जुला समय रहने वाला है, कुछ अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे, लेकिन अच्छे परिणामों के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपका बुरा कुछ नहीं होगा, यानी कि अंत में विजय आपकी होगी, लेकिन एक लंबा समय आप इस लड़ाई में संघर्ष में बिता देंगे जो आपकी हानि है। जिस समय में आपको अच्छे काम करना चाहिए था, तरक्की करनी चाहिए थी, उस समय में आपने सोच विचार और डर में बिता देने की वजह से आपका वक्त बहुत बर्बाद होगा। और अंत में विजय पा भी ली तो उसका क्या फायदा कि एक गोल्डन पीरियड आपके हाथ से निकल गया। तो ध्यान रखेंगे सभी मिथुन राशि वाले इस बात का, तो आपको लाभ होगा। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिससे यह स्थिति आपके काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। अब बात करते हैं 23 तारीख 5:17 के बाद का समय। 24 और 25 तारीख की चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, लेकिन यहाँ पर शनि केतु पहले से ही हैं। शनि चंद्र का वृष दोष बनेगा, चंद्र केतु का ग्रह दोष बनेगा, शनि केतु का शापित दोष बनेगा। यह समय किसी भी मायने में आपके लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कोई ना कोई परेशानी आपको परेशान जरूर कर देगी। आप एक समस्या का हल ढूंढेंगे तो दूसरी समस्या सामने खड़ी हो जाएगी और आप चिंतित परेशान हो सकते हैं, मानसिक तौर पे आप कमजोर हो सकते हैं। मान सम्मान धन की हानि संभव है। आपका मन ना ही पढ़ाई में लगेगा, ना ही शिक्षा में लगेगा, ना नौकरी में, ना व्यवसाय में, ना ही व्यापार में लगेगा। आप चिंतित और परेशान रहेंगे, मन भटकता रहेगा, इधर उधर की बातों में लगेगा, ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाएंगे। जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ को पाने की ऐसी इच्छा होगी कि जो है उसका भी सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। आप नकारात्मक विचारों में डूबे रह सकते हैं, मानसिक उलझनें बढ़ सकती हैं, शत्रु भी परेशान करेगा और सेहत का भी साथ आपको नहीं मिलेगा। धोखा फरेब हो सकता है, व्यापारिक साझेदारियां, विवाद, जीवन साथी से विवाद, प्रेम संबंधों में विवाद हो सकता है, तनाव हो सकता है घर परिवार में, यात्रा से हानि हो सकती है, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे और आपके जो अपने हैं वो आपसे रूठ जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप जिनसे बहुत प्रेम करते हो, जिनके बिना जी नहीं सकते हो, आज वही आपसे रूठ जाए। ऐसा होने पर आपको बहुत चोट लगेगी, बहुत दुख होगा और आप अपने काम नहीं कर पाएंगे। तो यह सलाह है कि यह समय सावधानी नहीं महासावधानी से बिताएं तो बढ़िया होगा और बताए गए उपाय को अवश्य करें। जितनी बातें मैंने आपको बताई, या तो इतना कुछ हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा। समय ग्रहों के अनुसार आपके पक्ष में नहीं है। यदि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर का आशीर्वाद है, तो कुछ अच्छा आपको देखने को जरूर मिल सकता है। अब बात करते हैं 26 तारीख 27 तारीख और 28 तारीख 3:45 तक के समय की। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का चंद्रमा एक दो शुभ परिणाम देता है, बाकी फल आपके पक्ष में नहीं होंगे। आपको अनचाहे फलों की प्राप्ति होगी, आप भोग विलास वासना की तरफ ज्यादा खींचे चले जाएंगे, आपको पारिवारिक व सांसारिक बंधनों का सामना करना पड़ सकता है, आपको अनेक प्रकार के सुख प्राप्त नहीं होंगे जो पहले आपको आसानी से प्राप्त हो जाते थे। आप अपने काम से काम नहीं रखेंगे, दूसरों से ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे, अपने धन से सुखी होकर आप कोई काम नहीं करेंगे, दूसरे के पैसे से, दूसरे की तरक्की से जलन करेंगे, इधर उधर तानाफूसी करेंगे, चुगली करेंगे, पीठ पीछे बातें करेंगे, जिसकी वजह से आपका समय इन्हीं सब चीजों में बीतेगा और आप कोई भी ढंग का काम या मतलब का काम नहीं करेंगे आज के दिन, बस दूसरों की कमियां निकालने में समय बिताएंगे। आंख पेट के रोग हो सकते हैं, आपको अज्ञान सा भय बना रह सकता है, शत्रु परेशान करेंगे, रोग परेशान करेगा, आप चिंतित और परेशान रहेंगे, आपकी वाणी में क्रोध होगा, माता जी से का विरोध सहना पड़ सकता है, माता जी की सेहत भी खराब हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। लेकिन यदि आपका विवाह हो चुका है तो आपकी जीवन साथी आपकी कुछ सहायता कर सकती हैं आपके बेहतर समय को बनाने में। आपके ससुराल पक्ष से आपको कुछ लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। अचानक से कहीं से धन संबंधी खुशखबरी आ सकती है और आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध सामान्य तरीके से चलेगा, इसमें कोई वाद विवाद नहीं होगा, लेकिन आसपास का माहौल इतना खराब होगा कि आप इसको बस जैसे तैसे निभा लेंगे। आज के दिन कोई वाद विवाद या झगड़ा नहीं होगा और आसपास का माहौल खराब होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता भी नहीं रहेगी। इसका गुस्सा आप हो सकता है अपने बच्चों पर निकालें या अपने
नौकरी में अपने सहकर्मियों पे निकाले, आपके बॉस जो है वो आपसे परेशान हो सकते हैं, आज आप काम ठीक से ना करें, बहुत लेट लतीफ़ी करें, या अपने काम में बहुत सारी गलतियां करें, या ऑफिस लेट से पहुंचे, या कोई भी ऐसा काम करें जिससे कि आपके बॉस आपसे नाराज़ हो जाए। ऐसा ही कुछ व्यापार में होगा, आपके जो ग्राहक हैं वो आपसे खुश नहीं रहेंगे, आपकी वाणी में चिड़चिड़ा बना सकता है, आप डांट सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे ग्राहक आपको अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे और आपको कुछ सलाह दे के जाएंगे कि भाई थोड़ा अच्छे से बोल लिया करो। ऐसा कुछ हो सकता है, तो समय आपके पक्ष में नहीं है, तो पैसों का निवेश भी ना करें, कीमती सामान का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, छात्रों को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा, कार्य क्षेत्र में संभल के रहें, नहीं तो नुकसान हो सकता है, फिर आपको उपाय करने की आवश्यकता होगी ताकि आप इस समय को भी बेहतर बना सकें। अब बात करते हैं 28 तारीख 3:45 के बाद का समय 29 और 30 अप्रैल की। चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव का चंद्रमा आपको अत्यंत भाग्यशाली बनाता है। अब आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, अब आप प्रसन्न हो सकते हैं। जीवन में अनेक प्रकार के सुख सौभाग्य की वृद्धि कराता है। आप और आपके परिवार के सदस्य सफल होना शुरू कर देते हैं, यानी आपके घर में सफलता आने लगती है, आपके प्रयासों में सफलता मिलने लगती है, नौकरी व्यापार में आप सफल होते हैं, प्रमोशन ट्रांसफर तरक्की के सभी काम पूरे होते हैं, आपके रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं, प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं, घर में सदस्यों से प्रेम बढ़ने लगता है, अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, छात्रों को सफलता, संतान का सुख आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है, देश विदेश की यात्राएँ होंगी जो लाभकारी रहेगी, घर परिवार आसपास का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं इन सबसे अधिक आपको प्राप्त हो सकता है, इससे 100 गुना ज़्यादा आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको बहुत अच्छा कर्म और मेहनत करनी पड़ेगी। नवम भाव का चंद्रमा जो है वो आपको भाग्य निर्माता बनाता है। यदि आप भाग्य भरोसे बैठेंगे, यदि आप कोई काम नहीं करेंगे, सोचेंगे सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपकी थाली सजी की सजी रहेगी, रोटी खाने के लिए आपको रोटी को तोड़ना, सब्जी लगाना और उसको मुंह तक लाना पड़ेगा, तो ऐसा ही कुछ आपके सामने हो सकता है इस समय में, थाली सजी की सजी पड़ी रहेगी, लेकिन यदि आपने उसको तोड़ने तक की जहमत नहीं उठाई, खाने तक की जहमत नहीं उठाई, तो उसका स्वाद आप ले नहीं पाएंगे। यानी कि भाग्य आपको बहुत कुछ देगा, किस्मत आपको बहुत कुछ देगी, लेकिन परिश्रम अनिवार्य है, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलेगा। ख्याली पुलाव पकाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आप किसी भी चमत्कार की उम्मीद ना रखें, मेहनत करनी ही पड़ेगी और चमत्कार जरूर होंगे। यदि आपने मेहनत की होगी तो आपकी मेहनत के साथ चमत्कार जुड़ जाएगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसे 100 गुना ज़्यादा फल मिलेगा, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपका भाग्य प्रतिशत रहेगा 73%, शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा फल का हरा। अब बात करते हैं उपाय की, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का जप प्रतिदिन करना चाहिए। इस सप्ताह में हनुमान जी की आराधना प्रतिदिन करनी चाहिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हो सके तो शिवालय या हनुमान मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद अवश्य लें। माँ दुर्गा माँ सरस्वती की आराधना करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, ताकि आपकी बुद्धि निर्मल बनी रहे, आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस सप्ताह को बड़ी सावधानीपूर्वक बिताएंगे, क्योंकि इस सप्ताह में कुछ अच्छे योग नहीं बन रहे हैं। यह सप्ताह मानसिक चिंता परेशानियों भरा है, लेकिन वो इंसान ही क्या जो कठिनाइयों में अपने आप को साबित ना कर पाए। तो आप मिथुन राशि के जातक जातिकाएं हैं, तो निश्चित तौर पर इस कठिनाइयों को दूर करते हुए आप अपने आप को साबित करेंगे और ग्रहों की चाल को पीछे छोड़ते हुए अपने नाम का परचम यानी ध्वज हर जगह पर लहराएंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और जीवन में ऐसे ही सुख शांति बनाए रखेंगे और सफलता पाते रहेंगे। कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हर संभव प्रयास करूंगा आपकी सहायता करने का, और यदि कोई बहुत अर्जेंट आपकी समस्या है तो आप मेल कर दें, हम आपसे संपर्क कर लेंगे या हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। हरिओम, नमस्कार।